आ गया जी अपना प्यारा नवाज हाउस और बारिश भी बस कुछ वक्त अच्छी सकनी है और ये जो प्यारे मौसम में कुछ स्पेशल खाने पीने से बना हुआ है ना तो फिर मैं आना ज्यादती है इस मौसम नाल भी आपे नाल भी। डैडी ब्राउन ब्रेड है कार जी? ब्राउन ब्रेड है कार हां मिशा का ब्रेड ही खाने पे से अलीम ने नाल लेकिन जेड़ा बाहरों अलीम लबना कदा सो खादा नहीं वो मैं खाना लेना मैं ना पहले वाला लीम खादा 79 इंच लॉर 79 इंच हां 78 मैटर की थी या फिर लॉर गया मैं मैटर करने खुशी पार्टी आप उन्हें मैसेज किया नहीं मैं पार्टी कोई नहीं की थी प्रिंसिपल मैटर की थी एफए की थी मैं पार्टी कोने दी थी ना वो लकी मुझे बुझो 8 आने वाला लीम 8 आने के नाम मैं के दसो कितने आने वाला रुपया बनना सी 16 आने वाला रुपया है चार्ज मनी होनी नहीं रुपया आने बड़े होने से पैसे बड़े होने से उम्मीद करना सारे दोस्तों ने फजल करम शुक्र ठीक ठाक सो खैरियत सो तो अपने जिंदगी है इस तरह दादल गुजारने पे सो माशाल्लाह जनाब दिन इंतहाई खूबसूरत है सुबह सुबह टाइम है और कड़कनी जी धुप है और सही वाइब आ रही है आज गर्मियां आ लिया यानी कि आस्ते आस्ते गर्मियां आ गया ना जनाब क्या करते होते हो बाकी बाबा सुनो जागे आया तो तैयार श्यार कोई नहीं होया हर बारी हूं तैयार हुई थी बंदा व्लॉग शुरू करे जरूरी तो नहीं ना होना कदा कुदरे बाल बिखरे भी होने चाहिए कपड़े पुराने होने चाहिए फिर बंदा व्लॉग शुरू करे ना ताकि प्रॉपर एक नेचुरल जहा लुक अच्छा है बात सही है सो जनाब जागी तो आया ना तैयार भी हो जाए इंशाल्लाह लेकिन पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा उसी तो जाने से सब्सक्राइब करो मैं जुला नीचे किचन लेकिन उस पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग वेलकम नवे खूबसूरत किस्म के व्लॉग ने अंदर खूबसूरत जे मौसम गर्मी ना मौसम सो सारे की बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पता चलिया कि मोस्टली जो बंदे इंग्लैंड से तकने ना ये दुबई से दिया सुई तकने उथे भी आजकल उन्होंने बारिश का सामना आया सो आने के धूपी चंगी सी कोई नहीं है रहे सारे मामला लगे रहने इंग्लैंड का मौसम भी आई थिंक सो आस्ते आस्ते बेहतर हो ही गया उसी है बाकी किचन में मौजूद है जनाब ब्रेड भी आया था चाह कोई नहीं सो पहले चाह बनाने फिर नाल तकने और क्या कुछ किया जाए खाने पीने वास्ते इंतजाम करावा सो अच किचन माड़े जेरे क्यादत है सो मैं बेहतर नाश्ता तैयार करना इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट हो गया जनाब सारा रेडी सो फटाफट नाश्ता करने तो उस तो बाद फिर इंशाल्लाह बाहर चढ़ी पी गए बाहर जैसा कि बाहर व्यू चेक करा था लेकिन पहले नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जी भैया तो भरा नाश्ता किया तो मैं याद आया कि जुमा तो मुबारक है पर थोड़ा जा लेट हो गया मैं वैसे जुम्मे की मैं हमेशा थोड़ा जल्दी करूँ निकलना होना पर सबसे पहले तो यह है कि हमारे तरफ से सारे की बहुत बहुत जुमा मुबारक अल्लाह ताला से सारे सलामत रखे खुश रहो तो आबाद रहो सोचने उसको कि एक देर बाद वीडियो आजकल लगी दी है असल जिस टाइम हमजा साहब गए सर ना उस टाइम में एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाई सी राती सो मैं ऐसे अगले को एक दड़ा मिस कर सा तो फिर वीडियो का सिलसिला बराबर हो सी लेकिन सीन ही होया कि मुझे पता चला कि पाकिस्तान इंटरनेट ने काफी मिसाइल चली रही को फाइबर ऑप्टिक केबल जी है ना वो खराब है सो अगले एक दो रोज शायद अली गल है कुछ इंटरनेट ना आए सो इस वजह से एक बैकअप व्लॉग रखा वा कि चलो अगर कुछ इंटरनेट ना आया तो चली जाए सो थोड़े दड़े गुजारा करो इस पर उस तो बाद डेली व्लॉगिंग पर वापस ऐसा इंशाल्लाह लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो मसले ना इन्होंने मुताबिक सारी सेटिंग की हुई है तो बाकी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब अल्लाह ताला ने खूबसूरत बबरकत ना सो अपने सफर ना आगाज करने आ कुंडी लाई उड़ी है तो यकीन करो भैनों तो भ्राओ सिर्फ मन आए सारा कुछ हुई रहा है तुम फील कर रहे हो कि अजकल दिहाड़े बहुत जल्दी गुजरी रहे हैं फील लाइक कल अजे जुमा से अज फिर जुमा आई गया तो मैं कमेंट सैक्शन दस तुम्हें भी लगना कि दिन बहुत जल्दी गुजरी रहे हैं सिर्फ मी ही लगी रहा बाकी अपना फातह लाने सीधे जुले मास्टर शरीफ वाली तरफ माशाल्लाह भैनों तो भ्राओ शदीद गर्मी से अचानक मौसम ही तब्दील हो चुकी है जनाब इसल बारिश का सो आई थिंक सो जुमे से फौरन बाद बारिश आई है मेरी आस मैं नहीं सवेरे में जा गया जिले उल्लै लेकिन अल्लाह ने कम कुछ भी हो सकना जनाब कुछ जोर तो नहीं कुछ है बाकी उसी दे जुले मस्जिद शरीफ से जुमा पढ़ने पहले ये दुनियावी अमारत ये वजारत ये सदारत ये कभी तख्त पर होता है कभी तख्त पर तख्ते पर होता है भैनों तो भ्राओ जुम्मे ने नमाज पढ़ी है उसके बाद खाने पर बैठे हैं सारे ने थोड़ी गपशप मारी है मैं हूं जुले घर मौसम इतना प्यारा हुआ है ना फिर थोड़ी गपशप मारना भी बननी है तो इतने प्यारे मौसम में खान पीन भी बनना है सो जुले घर तो आज मैं कोशिश कर सकता स्पेशल जी रेसिपी बना तो तुम भी दसा इंशाल्लाह सो लेट्स गो टूवर्ड्स होम नाउ बाकी जुदा जुदा ले लिया सी जनाब आ गया जी अपना प्यारा नवाज हाउस और बारिश भी बस कुछ वक्त अच्छी सकनी है और ये जो प्यारे मौसम में कुछ स्पेशल खाने पीने से बना हुआ है ना तो फिर मैं आना ज्यादती है इस मौसम नाल भी आपे नाल भी सो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज हम खाने के लिए क्या बना सकते हैं आपसे भी शेयर करते हैं कुछ अच्छी सी रेसिपी अजीत है बड़ा ब्रो फाइनली बाबा सोना पहुंचे अपने कार आज ना मौसम तक ही ना तो मैं फैसला है कि मैं बनाता हूँ आज लेकिन क्या
और पता नहीं क्या हाँ मसाले की कीमत शायद ऐड कर सकते क्योंकि मसाला थोड़ा महंगा है बाकी ना कि असा पानी में छेड़ना है तकरीबन डेढ़ दो घंटे वास्ते उस बाद फिर असा कि तो पानी पे हमारे को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारे के सटी होने ताकि अच्छी तरह जमा पे मैरिनेट हो सके ना तो फिर दो घंटे उस बाद असा इसकी कटता इंशाल्लाह तो फिर बाकी रेसिपी शेयर कर पहले तो भ्राओ इंतजार करना करना मैं पर गया कपड़े चेंज किए नमाज पढ़ी असर नहीं और नीचे प्याज शायद कुतरी ओड़िया चिकन साफ करी रखी ओड़िया वैसे इसने गोश्त ही बाहर होने लगी मैं चिकन बासा तो चीज़ा अजें सिजिया वन बेगम साहबा मैं दसा कि जितना ज्यादा टाइम सो रेंदे सो ना सो करता है उतना अच्छा हलीम बंसी है दलीम या हलीम या इसको क्या लिखा क्या आखना देगी दानेदार हलीम वैसे हलीम नहीं आना जिन्हें लफज दलीम होना लगता इसकी दलीम आ ही सकना हलीम कुछ भी आ ही सकना जी सो इसकी थोड़ी देर रेंदा ना असा जुल्ला दा क्रिकेट खेलने है तो क्रिकेट खेड़ी तो मुड़ी अच्छी तो बाकी रेसिपी तू कंटिन्यू करता इंशाल्लाह और बार मौसम ही सही हलीम खाने लाई है सुभान अल्लाह पहले तो प्रॉपर पहुंचे हैं ग्राउंड में सोन टाइम हो गया खेलने ना तो मोई साहब फोन किन जाओ तो फोन छिपाई रखे लोग उधर ठीक है पहले तो प्रॉ अलहमदुल्ला खेड़ी तो थोड़ा थकी आई तो वापस घर पहुंचे मगर भी थोड़ा टाइम है लेकिन चूंकि बारिश होने लगी है तो जल्दी गेम बंद कर ओड़ी है बाकी माने थे दोनों डब्बे सर जी अच्छा मैं स्पेशल भेजा से दोनों डब्बे माने हाली मुड़ी याद ही नहीं रही मेरी याद मिगी भी कौन सी सो चलो हूँ आई गए खैर सो चलने हम थोड़ा फ्रेश होना उस बाद किचन च पेन पेन होता भ्राओ बड़े कप पेन त्रै तो निके या निके छे सो ये एक और बात हाँ बाकी सब तो पहला स्टेप है कि प्रेशर कुकर में असर एक बया आई थिंक आज हमें चार डालने पड़ेंगे हाँ पानी ज़्यादा भी है तो पानी ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है उसकी सफाई सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा होया ना टेढ़ी खड़ी चीज़ा ना फिर वो सही कर जाएंगे साथ में ठीक है सो बाकी है पहले तो भ्राओ जो भी जाए थी कण क्या ज़्यादा इसमें भी थोड़ा ये हमारे साथ मोए मोए हो गया ना क्योंकि हमें उसी ताज़ी में ताज़ा हलीम बनाएगी ना नहीं हमें हमने सोचा था हमें क्रश्ड मिलेगा लेकिन ये हमें कोई पैकिंग ऐसी मिली है कि बस आज करेंगे ना क्या बात एक कोटली से लिया जी ये कोटली से नहीं लिया था ये हमने फीस से लिया था मुझे सही याद है चलो कोटली से नहीं फिर बची जाए लेकिन उन चिकारी से पता नहीं क्या सकती है बाकी पानी पी गया अगली बार कोटली से लाएंगे वो आपको मैश हुआ हुआ मिल जाएगा ना कोटली की चीजें होनी ही चाहिए खाली थे चीजें पैक कर लेनी है सो जनाब साडे कोले जो कुछ मौजूद है इसके साथ में ऐड करना है इसमें वायर रखना है इधर और पॉइंट डाल के ना तो सारा ऐड कर लेते हैं तो अभी डाल देंगे तो क्या होगा वैसे ये भी सॉफ्ट हुआ हुआ है सारा कुछ डाल दें काफी देर से गीला है क्योंकि चिकन भी बिल्कुल चिकन पर तो प्रॉपर बगैर हड्डी सु है और तकरीबन आधा किलो ने गोल गाल उसी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम Here goes और चिकन अब इसको मिक्स करने की ज़रूरत है थोड़ी सी वैसे ज़रा सा मिक्स करते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं ताकि सही गली ना कीमा बनी जाए हलीम होनी ये है कि सही इसमें चीज़ें गलियाँ होनी उसे पता ही नहीं लगना कि इसमें क्या क्या पाया पहले तो भ्राओ ढक्कन खोली ओड़िया था जमें बॉयल हो रहा और उसमें पानी आना सा सोक करना आया था बाकी बेगम साहब आया कि आज मैं बनाई तुम्हें कॉल सा नान मैं ये पूछने लगा था चलो आना फर्स्ट टाइम नान बनाना है लेकिन चलो ऐसा तो बना सीखा ना हलीम वैल उसमें नान ना मैंने किस राज करना है ट्राई करना है मैं हलीम बैलवा बना लगा ये नान बैलवा बना लगा तकने क्या बना पहले तो भ्राओ कढ़ाई रखी एक और इसने बने असा खड़े मसाले सो लेट्स पुट सम खड़ा मसाला तो उस तो बाद इसने प्याज शाज वैसे ब्राउन कर सा फिर इसने प्याज शाज ब्राउन हो रही थी ना दैन चिकन चिकन बाय थोड़ा जो मसाला नाल दिता उन्हें पैकेट वो ऐड कर दें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब पी जा चलो प्याज पी गया और इसकी थोड़ा बहुत भुनन भनन करने हैं ताकि गोल्डन हो जाए बाकी बेगम साहिबा ये कितने परसेंट आपको लगता है ये गल गया होगा वैसे जो कसर रहेगी वो हम ब्लेंडर चले इंशाल्लाह बाकी जो चिकन उसने बॉईल किया था उसकी छोटा छोटा रेशा इना करी उड़ा उन्हें से ज़्यादा निका क्या कर सा थोड़ा बिल्ला पका सा लापे गली जैसी चिकन की भी इसको भी मैं ऐड कर दूंगा तड़के में ठीक है नहीं उसको ब्राउन होने देना हाँ उसको ब्राउन होने दूंगा ना उसके बाद इंशाल्लाह इसको भी ऐड करेंगे तड़के में चलो जी द बॉस इज ऑलवेज राइट माड़ी कौन पूछना
प्याज हो गया सारा सही ब्राउन हुन असन इसमें ऐड करना है चिकन सारा चिकन फिर थोड़ी ना अप्रूवल से इंशाल्लाह अपना मसाला सो इसने लून मिर्च मसाला सर सारा कुछ प्याज में ऊंचा बोली ना क्योंकि बेगम साहिबा उधर अपना कम लगे हुए हैं सो इसकी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं ऐड करता हूं और लीमिज में आज पता लगा कि जनाब टमाटर जाने ही नहीं मैं सोचा सिर्फ टमाटर भी पड़े हैं सो आई वाज रॉन्ग यू नो चलो जी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने देना हाँ बेहतरीन है ज़बरदस्त हो गया जी और इसकी बाहर कटी उड़ा ना मसाला रेडी हो रही थी ना फिर इसमें ऐड करता हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह बैठा था भाव मसाला सारा रेडी हो चुका और इसे थोड़ी जी प्याज में कटी है प्याज उसे कटी है जैसे गार्निशिंग करता हूँ उल्ला पर ऐड करता हूँ और बहुत मज़े में टेक्सचर बनती है बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अच्छा जी ये तो मेरे ख्याल से चार दिन चलेगी चार दिन क्या मुझे तो एक वीक लग रहा है ये नहीं मैंने सोचा ये थोड़ा सा होगा लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बन गई थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें थी ना इसलिए चलो कोई मसला नहीं है क्यों नहीं दफ़ा इसकी अच्छे से हिलाते हैं अब आशा इसको सिर्फ पकाना है बस ग्राइंड भी अच्छे से हो गया है ग्राइंड भी हो चुके हैं ना पहले पहले तो ब्राउन इसकी लाता तकरीबन असा एक घंटा 40 मिनट या एक घंटा ताकि सही अपना टेक्सचर जो हो ना इसना उसने बीच आई जुला ਤਾਂ ਚਾਸੇ ਸੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਾ ਨਾਨ ਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਨਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਟਨ ਕਾਟਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸ਼ਾ ਮਾਇਦਰ ਮੇ ਕੋਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋਈ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਭ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋ चमचे से हिलाते रहे नहीं लेकिन नीचे जाकर लग नहीं रहा है पता है क्या ये नॉन स्टिक है इसमें ना मारे ये इसीलिए लकड़ी का मांग रहा था ना वो पुराने जमाने का देसी स्टाइल का चलो पहले तो ब्रो मैं लोना शेयर थे कुत्ते प्यार वाला होगी माशाल्लाह पहले तो ब्रो थोड़ा लीम काफी हद तक बनी चुके और इसका टेक्सचर चेक करो हां और सही थिक आहा आयशा बस थोड़ी सी देर इसका आई थिंक और जरूरत है पकाने की बाकी तवा आ गया पुराने जमाने ना ये नॉन स्टिक है इसकी आने ने वजह कैसे आशा ताकि इस पे नान जो है वो चिपक सके चिपक सके चलें इसको ऐड करें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब चलो जी उन जड़ी अल्लाह की थी ठीक है इसको या अल्लाह मुझे डर लग मैं हाथ रखता हूँ नीचे हाथ हाथ ना रखे ना हाँ 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 आयशा इसको हल्की आंच पे पकाना था ना यार नहीं पहले तेज आंच करके ऊपर से पकाते हैं फिर नीचे से हल्की आंच करके पकाते हैं जड़ी अल्लाह की थी डैडी ब्राउन ब्रेड है कार ब्राउन ब्रेड है कार हाँ विशा का ब्रेड ही खाने पे सी लीम ने नाल नहाने वाला प्रोग्राम विशा का मर गया अच्छा ये बन जाएगा वाह 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 नान तैयार हो गया जी माशाल्लाह अच्छा अच्छा ठीक है तैयार करिए कैमरा बंद करिए अगर प्रोग्राम ना मरिया ना तो फिर फुटेज लपसी तुसा के शुगर मेला अपनी जगह बड़ा ही बेहतरीन जगह समझा नान थोड़ा तैयार हो रहा है इसलिए बस इसकी लो फ्लेम पर थोड़ा सा और पकाता हूँ और ये आशा इसको बंद कर दो अब नहीं अभी जब इसके ऊपर आएगा ना ऑयल इसका मतलब है कि पक गया अच्छा ये मतलब होता है चलो फिर इसकी थोड़ी देर रहने देने हैं बाकी नान पर फोकस करना है जी उन्हीं नान की मैं हमें अपने मुबारक हाथ लाता गया सही आपने खुद मटी रखी है आस्ता से अभी थोड़ा पर गर्म होने अच्छा डालना है गर्म गर्म सही गर्म है मैंने अभी आस्ता किया इसको देखिए अभी आ गया कि मैंने किया नहीं मैंने किया डाले डाले जी डाले चलो जी थोड़ा ज़्यादा जोर लग गया बहरहाल पेड़ों का प्रो इस तरह करने का मकसद था कि नान अंदर तक पकी बाकी आयशा अभी इसको थोड़ा सा पकाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या था सीन बनता है इसका इसको उल्टा करना था ना करें ना वो कुछ तेज़ होता कर सा ना अल्हम्दुलिल्लाह जी तरी चेक करी कि ना तो हलीम सड़ा तैयार है और ये नान जिस पर मैं अपने अंगूठे निशान लगाए थे शुभ शुभ हाथ लगाए थे वो भी बिल्कुल तैयार है और टेक्सचर बड़ा प्यारा आ रहा है इसका माशाल्लाह भैनों का भ्राओ सड़ा हलीम भी आ गया था नान भी तो नाल नींबू अचार
एंड एवरीथिंग। सो बाकी अगर स्पाइस मजीद करनी है तो चार मसाला स्पाइस रखना है। सो टेस्ट करो हूँ कैसा बनता है। टेस्ट हमेशा तुम करने होने और टेस्ट वैसे बहुत है बाकी और भाई खाने वास्ते चलो फिर खाई गए ना जी और खा ही सकना। ठीक है पैसे पूरे हो गए पहले पहले दफा बनाया नान भी पहली दफा क्या गलतियां क्या कुछ थोड़ा ठीक है लेकिन जरा बाहर लीम लगना कदा सो खाधा नहीं मैं खाना रहना मैं जना पहली दफा लीम खाधा 79 इंच लाहौर 79 इंच 78 मैटर की थी फिर लाहौर गया मैं मैटर करने खुशी पार्टी उन्हें वैसे किया नहीं मैं पार्टी कोई नहीं की थी पहली दफा मैटर की थी एफए की थी मैं पार्टी कोने दी थी जनाब वो लकी मुझे पूछो ना 8 आने लीम 8 आने के नाम मैं क्या दसो कितने आने वाला 1 रुपया बनना सी 16 आने 16 आने वाला रुपया हो गया नहीं रुपया आने बड़ा होना पैसे बड़े होने से पैसे निके होने से आने बड़ा होना सी कितने पैसे आने पैसे ना 50 पैसे ना 50 पैसे 50 पैसे 75 पैसे ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਲਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਤਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ 100 ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਲੋਨ ਉਹਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 55 ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਬਾਜੀ ਵਾਹ ਪਹਿਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਕਿ ਨੋ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੀਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਜੀ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 50 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ 1 ਰੁਪਏ ਚ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਸ਼ਤਾ 79 ਨਹੀਂ ਗਾਲਾ ਹਾਂ ਕੁਥਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਐਸਾ ਮਿਕਸ ਪਾਉ ਚਾਹੁੰਦਾ 190 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਰ ਗਿਆ ਸਾ ਮੈਂ ਲੀਮ ਖਾਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 12 1300 ਬਿੱਲ ਬਣੀ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਪੀ ਖਾਦੀ ਉਸੇ ਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀਪੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ 12 1300 ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਰ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਸ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ चलो पर अले मजे नहीं बनते हैं इंशाल्लाह बनाया करता हूँ। सो नान अच्छे ना ठीक है चलो नान ठीक है तो खाना शुरू करना है पड़ा तो ब्लॉग का सामने।